वेलकम गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद जवानों, कैसे हैं सब लोग? सो आई वेलकम हर्ष, नीमा, विभा, साजन, स्वीकीर्ति, वेलकम गाइस, वेलकम टू द सेशन। आई होप यू गाइस आर ऑल चार्ज्ड अप फॉर टुडेज एसएसबी प्रैक्टिस। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। सो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस, जिसने भी अभी तक नहीं करा है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए कि हम लाइव आ चुके हैं। ओके, सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का गेम। आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। वेलकम आशीष, साजन, स्वीकीर्ति, वेलकम गाइस। सो दिस इज मी गाइस, माय नेम इज अंशुम वर्मा एंड आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट। दीज आर माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्लस आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम एंड हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एंड आई हैव माई सेल्फ क्वालिफाइड गाइस सीडीएस एग्जाम। इफ आई टॉक अबाउट सीडीएस एग्जाम 7 टाइम्स, राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आई एम अ सिविल सर्वेंट aspirant. So let us just quickly talk about what is the advantage of an academy. First of all, you will get detailed structured courses here. ठीक है, आपको stage 1 से लेकर final stage तक यहाँ पर help मिलती है, daily live classes का support मिलता है, जैसे मैं आपको लगभग रोज़ आपके लिए class लेके आता हूँ। ठीक है, so ये class आपको रोज़ मिलने वाली है मेरे साथ। Then unlimited access आपको subscription का मिल जाता है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे आप अनलिमिटेड जितने टाइम का सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आप उन क्लासेस को देख सकते हो। देन गाइस, अगर आप फौजी बनने को एम कर रहे हो तो एक फौजी, एक सोल्जर सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ता है। अगर आप एक सोल्जर बन रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक गन की थ्योरी पढ़ा दूँ, सो सिर्फ थ्योरी पढ़कर ही आप आप सीधा वॉर जोन में नहीं जा सकते। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं, आपको उस गन को प्रैक्टिस भी करना होगा। सो अन अकेडमी आपको ऐसी बहुत सारी गन्स चलाना सिखाएगा, दैट मीन्स बहुत सारे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे हथियार हैं दोस्तों वो हमारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे, क्विजेज करेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल एडवांटेज ऑफ अन अकेडमी। सो फटाफट लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम चैनल को, जिस पर आप मुझे देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, बेल आइकन को दबा दो। और इस चैनल पर मैं रोज़ 2 बार आता हूँ दिन में, एट 11 AM एंड एट 5 PM। ठीक है, 11 बजे और 5 बजे मैं रोज़ आता हूँ। अब आपको करना क्या होगा, 11 बजे मैं आपको रिटन के लिए रिवीजन करा रहा हूँ और थ्योरी करा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मेरे साथ रोज़ सुबह 11 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन 5 बजे मैं शाम को एज़ यूजुअल मंडे टू फ्राइडे आपके लिए SSB का सेशन लेके आता हूँ। इस कंप्लीट वीक हम SRT पढ़ने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए VAT लेके आऊँगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ओके, उसके अगले हफ्ते मैं आपके लिए TAT लेके आऊँगा एंड सो ऑन। हम इसको रोज़ SSB में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सो आई वेलकम रुचि, वरद, शुभम, वेलकम गाइस। ऑल्सो गाइस, मैं आपको वैसे तो बता दूँ 6:30 बजे हमारी क्लास होती है रोज़ फॉर करंट अफेयर्स ऑन अन अकेडमी ऐप। आज ये क्लास नहीं है बिकॉज आई हैव सम प्रायर एंगेजमेंट्स, मेरे को थोड़ा सा काम था, सो आज ये क्लास नहीं है। रैदर वी विल कीप इट ऑन टुमारो 6:30 फॉर श्योर। ठीक है, कल आपके लिए एक डेफिनेटली मैं क्लास रखूंगा, वी विल कंटिन्यू द सेम करंट अफेयर सीरीज। सो फटाफट गाइस, आप अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मेरी प्रोफाइल को CDS कैटेगरी में जाकर फॉलो कर लीजिए, जिससे आप मेरे स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। और ये स्पेशल क्लासेस भी फ्री टू वॉच है, आप एकदम फ्री में इन क्लासेस को देख सकते हो। साथ में गाइस, आप मेरे प्लस कोर्सेज का, यानी जो डिटेल्ड कोर्सेज मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो सब मैं लॉन्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल रिटन का कोर्स मैं आपके लिए एक लॉन्च करने वाला हूँ। इस रिटन के कोर्स में क्या होगा, अभी मैं इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी का बैच ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, अब इकोनॉमिक्स मैं आपको शुरू करने वाला हूँ अपकमिंग वीक में। सो अगर आपकी जैसे वो क्लास पॉलिटी की क्लास मिस हो गई हो, ज्योग्राफी की क्लास मिस हो गई हो, आपको बस सब्सक्रिप्शन ले लेना है, आप अपने एग्जाम की तैयारी इन सारी क्लासेस को देख सकते हो, यानी अन अकेडमी पर आपका कुछ मिस नहीं होगा। सो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गाइस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ 12-month सब्सक्रिप्शन। द कॉस्ट ऑफ दिस इज 8,800 रुपीज एंड इफ यू अप्लाई माई कोड, यू स्ट्रेट अवे अप्लाई दिस कोड,
आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ रिटन एज वेल एज ऑल द प्रिपरेशन फॉर SSB। देन फॉर 24 मंथ्स पैक गाइस आपको मिलता है एट 11,520 रुपीज़, एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑन एंड ऑफ फॉर 24 मंथ्स। 24 महीनों के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए अन अकेडमी के साथ, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 480 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, यानी 15-20 रुपये पर दिन। पर डे आप 15-20 रुपीज़ अपने सपनों को सच करने के लिए पे करेंगे। अगर आप इकोनॉमिकली चले तो ये सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो अपने पॉकेट मनी से भी। सो जस्ट ये कोड आपको अप्लाई करना है। जो भी ये कोड अप्लाई करेगा मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा टेलीग्राम पर, मैं आपको पर्सनलाइज हेल्प दूंगा, जैसे मैं आपके लिए वीकली टारगेट्स लेके आता हूँ। हर बच्चे को कस्टमाइज टारगेट दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और आपके परफॉर्मेंस और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को एनालाइज करके ये टारगेट्स मैं असाइन करूंगा, प्लस पर्सनलाइज डाउट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो ये सारे कोर्सेज मैं आपको अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक GK एंड द कंप्लीट SSB कोर्स। नाउ इफ यू यूज माई कोड यू विल गेट अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, जैसे रिटन के बाकी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग फॉर TA एग्जाम, TA में रीजनिंग आती है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। आपको रीजनिंग और कहाँ मिलेगी, रीजनिंग आपको FCAT के एग्जाम में भी आती है, तो थोड़ा बहुत FCAT में रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। ACC वालों के लिए भी रीजनिंग थोड़ी बहुत आ जाती है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ कवर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे कोड के साथ आओगे तो रिटर्न में ही हेल्प नहीं करूँगा मैं आपके, TAT को, VAT को, SRTs को, ये सब मैं आपको पर्सनली हेल्प करता हूँ, ठीक है। चाहे वो TAT हो, VAT हो, SRT हो, या SRT के अलावा SDs हो, मैं पर्सनली इंटरव्यूज़ भी आपके लूँगा, मॉक इंटरव्यूज़ मैं खुद कंडक्ट करूँगा आपको, ताकि आपको एक बहुत अच्छा एक एनालिसिस मिल सके कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट दी SSB। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास गाइस। आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। लेट अस स्टार्ट दिस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एज वी आर ऑन द फोर्थ क्लास। मैंने सबको बता दिया है कि 60 SRTs आपको SSB में मिलने वाली है। इट इज़ कंडक्टेड ऑन डे 2 ऑफ SSB और द फर्स्ट डे जस्ट आफ्टर स्क्रीन इन। ओके, 60 SRTs 30 मिनट के समय में आपको सोचना भी है, लिखना भी है, और सारी SRTs को कंप्लीट भी करना है। टारगेट रखिए कंप्लीट करने का, बट वॉट इफ अगर SRTs कंप्लीट ना हो। गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि वही बच्चा रिकमेंड होगा जिसकी 60 की 60 SRT पूरी होती है। मैंने ऐसे भी रिकमेंडेशंस देखे हैं जिन्होंने 60 में से सिर्फ 24 SRT करी थी, और ऐसे भी बंदों को मैंने बाहर देखा है जो 60 की 60 करके आए थे बट बाहर हो गए, ठीक है। सो इट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन आर्म फोर्सेस, इट इज़ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी पर फोकस कीजिएगा, क्वांटिटी पर नहीं। ये मत सोचिए मैं बड़ा आंसर लिख दूंगा, बहुत अच्छे, ये यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में चल जाता है दोस्तों, जहाँ पर आप बहुत सारे तरीकों से चीज़ों को घुमा घुमा के लिख सकते हो। जैसे इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि कवि कह रहे हैं इस कविता में इस प्रकार से, तो एक ही चीज़ को हम बार बार घुमा के लिख देते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में ये सब नहीं चलता है गाइस, इज इट क्लियर। आर्म्ड फोर्सेस में आपको स्ट्रेट ऑन द पॉइंट हिट करना है। सो जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है आपको उस हिसाब से उसको हैंडल करना होगा। ओके, सो वट शुड बी द एम, एम शुड बी यू शुड ऑलवेज कम एज अ विनर आउट ऑफ द SRT। आप हमेशा, आपकी जीत होनी चाहिए। मानता हूँ कुछ SRTs ऐसी होती है जिसमें आप हार जाते हो, हारा हुआ दिखता है, बट उसमें भी आपको एक लीडर एज अ ऑफिसर एमर्ज होना है। सो दिस शुड बी योर टारगेट गाइस, आ रहा है समझ। देन गाइस ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, यही मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ रोज, कि आपके सामने एक प्रॉब्लम दी होगी और एक टास्क भी दिया होगा। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं बट टास्क को मेरे दोस्तों भूल जाते हो। सो टास्क और प्रॉब्लम दोनों पर फोकस करना है, कंबाइन फोकस शुड बी कंबाइन फोकस। देन यू हैव टू बी रिसोर्सफुल। अब रिसोर्सफुल मतलब अपने आप को इमेजिन कीजिए और बहुत क्रिएटिव थिंकिंग के साथ इमेजिन कीजिए कि उस जगह पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करा जा सकता है, कैसी कैसी चीज़ें आप इस्तेमाल में ला सकते हैं।
ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सो आई वेलकम वैभव, रुचि, शिवम, निशा, वेलकम गाइस। चलिए फर्स्ट एसआरटी इज कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन, फटाफट गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं चारों में आपका क्या बोलते हैं सारा कुछ गेम घूमेगा, ठीक है। इन्हीं चारों चीजों में आपका सारा गेम घूमेगा, इन्हीं चार फैक्टर्स में, चाहे वो जीटीओ हो, आपका साइकोलॉजिस्ट हो या इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो। सो इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को इम्बाइब कर लीजिए। वेलकम सूरज, वेलकम। चलिए फर्स्ट एसआरटी इज कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन, इट इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। अच्छा, उससे पहले यू आंसर दिस एसआरटी गाइस, नीचे देखिए टेलीग्राम चैनल दिया है। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, ऑल वीडियोस, एवरीथिंग। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला है, दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आपको पीडीएफ वगैरह में दे दूंगा। रुचि, एसआरटी सेशन का मैंने पीडीएफ अभी तक मतलब शेयर नहीं करा, मैं एक साथ आज चारों शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। जो चार सेशन हुए हैं मैं एक साथ उन सबके वीडियोस शेयर कर दूंगा। अरे क्लेयर ली इज वेलकम बैक, आवर चाइनीज फ्रेंड इज बैक अगेन, सो वेलकम डियर। ये कोई हमारा हिंदुस्तानी खूंखार बन रहा है चाइनीज नाम रखकर, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं गाइस। द फर्स्ट सिचुएशन हियर इज He was given a marketing job which promises huge returns, but he thinks it is not legitimate. He thinks, ठीक है, और huge returns. आजकल चल रहा है ना गाइज, ये बहुत सारी ऐसी marketing job चलती है जिसमें पैसा डबल, लक्ष्मी चिटफंड, पॉन्जी schemes बोलते हैं गाइज इन्हें, पॉन्जी schemes, ठीक है, लक्ष्मी चिटफंड, पैसा डबल, हेरा फेरी में देखा है ना आपने। सो हाउ यू वांना हैंडल दिस सिचुएशन, आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ऐड आएगी लग्जरी कार्स के साथ, पैसों के बंडल्स के साथ, तुम्हें बोलेंगे ज्वाइन दिस मार्केटिंग टीम, दे आर ऑल बोगस गाइस। ओके, वन ऑप्शन इज दिस एज वेल, गुड विभा, गुड थिंकिंग, गुड शुभम, यू हैव वर्कड इन द कंपनी, बट वॉट अबाउट दैट इट इज नॉट लेजिटिमेट, हैव यू फोकस्ड ऑन दिस? वेरी गुड स्वीकीर्ति, यू हैव ऑप्टेड फॉर द जॉब, दैट्स गुड। भूषण, ठीक है, आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि वो लेजिटिमेट थी, बट उसका उसके बाद क्या? अच्छा, ओके अक्षत, ये भी चल सकता है, ही फाउंड इट सस्पिशियस सो ही रिपोर्टेड इट टू द अथॉरिटीज, गुड गाइस। सो गाइस इन दिस क्वेश्चन देयर कुड बी टू अप्रोचेस, फर्स्ट ही इंक्वायर्ड इन टू द कंपनी एंड फाउंड इट टू बी लेजिटिमेट, joined it and got successful, ये कर सकते हो आप। ओके, गुड साजन, गुड अभिषेक, पुरुषोत्तम, इन योर केस यू हैव ज्वाइंड अ जॉब एंड देन यू आर क्विटिंग इट, ठीक है। सो अभी इसको क्या, ही वॉज गिवन अ मार्केटिंग जॉब, सो रैदर यू ज्वाइन इट एंड वर्क ऑन इट और रैदर यू नॉट ज्वाइन इट, ऐसा कुछ करो, आपका दोनों चीज कर रहे हो आप, एक चीज में घुस रहे हो, आपको लग भी रहा था कि वो लेजिटिमेट नहीं है और फिर भी आप घुस गए, समझ रहे हो पुरुषोत्तम, ठीक है वैभव, दिस इज अनदर अप्रोच गाइज, He inquired it, found it a Ponzi scheme, he inquired it, comma,
फाउंड इट वॉज अ पोंजी स्कीम, पोंजी स्कीम कॉमा रिपोर्टेड टू दी अथॉरिटी, रिपोर्टेड टू दी अथॉरिटीज. इज इट क्लियर? ठीक है, गुड गाइस, गुड गोइंग, गुड अभिषेक. अच्छा, ऑल दोज पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड मी गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना. चलो, नेक्स्ट एसआरटी इज ऑन योर स्क्रीन गाइस. ही रीच्ड 20 मिनट्स लेट फॉर द एग्जाम, द एग्जाम इंचार्ज रिफ्यूज्ड द एंट्री ही. नाउ गाइस, कई लोगों का हर साल, एवरी ईयर दिस हैपेंस विद मेनी पीपल. Now guys, in fact, SSB is also too serious about it. Now, if you are reaching there without, you know, too delayed, you are reaching there with a delayed time, तो उस केस में आपको SSB allow नहीं कर रहा है. बहुत सारे students ने मेरे को ये बताया है. So, आप कोशिश कीजिए कि भले ही center जितनी भी दूर हो, एक दिन prior पहुंच जाइए. Because ये एक officer like quality नहीं है, punctualness. और ये कई बार हमारे साथ हो जाता है गाइस, बहुत सारे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, खास तौर पर इफ आई टॉक अबाउट सिटीज लाइक दिल्ली विच आर हाईली कंजेस्टेबल. आप जितने भी टाइम से निकलो, कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप फंस सकते हो. सो हाउ यू गोना हैंडल दिस सिचुएशन? गुड स्वीकृति, नाइस, आई कैन सी अ हेल लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर आंसर्स, वेरी गुड. ओके विभा, वेरी गुड, नाइस आंसर. गुड भूषण, मानसी, आंसर इज ओके, भावनाएं मैं आपकी समझ रहा हूं, बट फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा. रोज आया करो 5 बजे, धीरे धीरे इंप्रूव होगा. अपर्णा, टास्क इज नॉट कंप्लीट. ओके, यू हैव एक्सप्लेन्ड द रीजन, बट वॉट अबाउट गेटिंग इन टू द एग्जाम? वॉट अबाउट द एंट्री? यू हैव फॉरगॉट अबाउट द एंट्री. अभिषेक, इन दिस सिनेरियो यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन. एटलीस्ट यू कुड हैव ट्राइड इट. Tried convincing the examiner is a better approach. Rather, अगर examiner ने तुम्हें एक बार मना कर दिया और तुम वापस लौट गए straight away. So this you can again think of. कोई बात नहीं, एक आध अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Good Vaibhav, short and crisp. Very good. अक्षत ने पूरा चीज पर focus करा, exam को crack भी करा है. बहुत खूब अक्षत. गुड पुरुषोत्तम, गुड वरद. ओके, अर्ज्ड फॉर द एंट्री टू अलाउ हिम, गिव द रीजनेबल आंसर फॉर बीइंग लेट. रुचि, उल्टा कर दो, पहले रीजन दो और फिर अर्ज कर सकते हो आप. गुड साजन, वेलकम शिवानी, आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. नहीं, आई हैव सीन यू सम अदर टाइम एज वेल, बट नॉट रेगुलर. सो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल इफ यू आर कन्फ्यूज अबाउट द टाइमिंग और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, परफेक्ट सुकीर्ति एंड आशीष. सो गाइस, वॉट कुड बी द बेस्ट रीजन? ही परसुएडेड द एग्जामिनर, ही परसुएडेड द examiner he persuaded the examiner and persuaded the examiner with reasons
अब इसके अंदर सब कुछ आ गया कि उसने रीजन कर दिया एंड गॉट द एंट्री एंड गॉट द एंट्री कॉमा क्लियर द एग्जाम विद गुड मार्क्स क्लियर द एग्जाम विद गुड मार्क्स। अब आप लोग ने जो लिखा है वो मैंने देखो शॉर्ट कर दिया यहां पर, कैसे आप लोगों ने लिखा ही विल एक्सप्लेन द रीजन, ही विल डू दिस, ही विल डू दैट, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो परसुएड कर दिया। अब इस परसुएड में, इस वर्ड में सब कुछ आ जाता है, ही डिड ऑल पॉसिबल थिंग्स। यहां पर आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप इसको रिमूव कर सकते थे विद रीजंस। आप सीधा लिखते ही परसुएडेड द एग्जामिनर कॉमा गॉट एंट्री कॉमा क्लियर द एग्जाम विद गुड मार्क्स। ठीक है, आकाश आया है, आई हैव चेक्ड योर आंसर। ठीक है, सो गाइस एग्जाम क्लियर करने पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, थोड़ा सा इस पर काम करो। जब भी कोई एग्जाम इंटरव्यू ये सब देने जाओ ना, SRT में ऐसा कुछ मेंशन हो तो आप एक काम करना, उसको जरूर सिलेक्शन अपना शोकेस करना दैट यू आर वेरी ईगर एंड हार्ड वर्किंग फॉर द सिलेक्शन, और जहां आप जाते हो वहां सेलेक्ट होके ही मानते हो, ये आपका ट्रू रीजन होना चाहिए। ठीक है, ओके, वेलकम पूनम। हेलो सर, मैं नया हूं। पूनम आप नए हो, पहले तो आप ये बताओ आप स्त्रीलिंग हो या पुलिंग हो, नाम से आप स्त्रीलिंग लग रहे हैं। आई गेस आप किसी सिस्टर का, मॉम का अकाउंट तो नहीं यूज कर रहे। आशीष, बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली फाइन, बोथ ऑफ देम आर सिनोनिम्स, पास्ट एंड क्लियर्ड, इसमें क्या कंफ्यूजन है, दोनों का मतलब एक ही है। अब जैसे इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए वर्ड क्लियर लिखा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरव्यू में पास नहीं लिखा होगा, पास इज नॉट अप्रोप्रिएट, इंटरव्यू क्लियर करता है बंदा, और एग्जाम होगा तो पास लिखा जाएगा, ही पास द एग्जाम। ठीक है, SSB होगा तो रिकमेंडेड लिखा जाएगा, ये बेटर वर्ड्स है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। वेरी गुड अमित, लेट हो गया, ऊपर की दो SRTs तेरी दिखी नहीं मुझे। ओके, नाइस आंसर, ठीक है। ओके, वैभव अगेन, ये पिक पॉकेट का कुछ नहीं करा आपने। वेरी गुड मानसी, दिस वन इज वे बेटर। व्हाट अबाउट कन्विंसिंग द TT अक्षत मिस दिस पोर्शन। टेक द टिकट फ्रॉम द TT, TT से टिकट क्यों लोगे, TT का काम भूषण सिर्फ टिकट चेक करना है। शुभम, अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, TT के आगे क्यों, क्या माफी मांग के क्या होगा। ठीक है, आपने कोई क्राइम तो करा नहीं है यहां पर, रैदर इसको और क्रिएटिव तरीके से अपनी टिकट प्रोड्यूस कर दो, वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, मैसेज के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड विभा, यू हैव वर्कड ऑन द नेक्स्ट टाइम एज वेल, आई लाइक दिस पॉइंट। गॉट बैक द कैश की जगह गॉट बैक द पर्स भी लिख सकता था भरत। शो हिज रिजर्वेशन, कहां शो करा पूनम, दिस इज मिसिंग। यस प्रियदर्शनी, आज के टाइम में जो टिकट रिलीज होती है वो आपका ई टिकट भी होता है, आपको मेल पर भी टिकट आएगी, आपको मैसेज टेक्स्ट मैसेज में भी टिकट आती है,
और दूसरा अगर आप IRTC से करते हो तो उसके अकाउंट पर भी जाकर आप टिकट को डाउनलोड कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन आज के टाइम में अवेलेबल है। सो ई टिकट शोकेस कर दो। वेलकम सुमित, गुड आशीष, नीलेश, ठीक है, वेरी गुड नीलेश। अक्षत ने दोबारा लिखा, अक्षत वैसे डिजी लॉकर पर आई गेस ये सब स्टोर नहीं होता। आप शायद कर भी सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो डिजी लॉकर पर, वेरी गुड अप्रोच कर सकते हो मेरे हिसाब से, बट डिजी लॉकर जनरली आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, ओके वरद, ठीक है, चलो। बट प्रियदर्शनी, जस्ट शोइंग द आइडेंटिटी, हाउ डज दैट प्रूव दैट दिस सीट बिलोंग्स टू यू? सो यू हैव टू प्रेजेंट योर टिकट एज वेल। टीटी जब आपके पास आता है सिर्फ आपकी आईडी चेक नहीं करता, वो आपसे टिकट भी मांगता है। ठीक है, टिकट भी मांगता है। अब जनरली टीटी क्या करते हैं, कई बार टाइम बचाने के लिए सिर्फ आईडी मांग लेते हैं। अगर आपने उस नाम की आईडी प्रोड्यूस कर दी तो आप वो टिक करके आगे बढ़ जाता है। तभी तो गाइज ये सब क्यों इसलिए शुरू हुआ है, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेन ब्रोकर्स होते हैं, वो बहुत सारी फेक आईडी, पहले बहुत सारी टिकट्स लेके रख लिया करते थे किसी और नाम से। आप वो टिकट शो कर दो, बस आप जा सकते हो। बट अब आपको एक वैलिड आईडी भी शोकेस करना होगा। ठीक है, सो हाउ यू गोना हैंडल दिस? आप सीधा बोल सकते हो, ही शोड हिज ई टिकट कॉमा रिपोर्टेड अबाउट द पर्स, रिपोर्टेड अबाउट द पर्स एंड कंटिन्यूड द जर्नी, एंड कंटिन्यूड द जर्नी। अच्छा, वैसे तो आजकल आप ऑनलाइन ये जो लॉस्ट प्रॉपर्टी है इसका भी आप रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। यू कैन फाइल एन ऑनलाइन केस। यहां पर आपको स्टेशन पर भी उतरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर ही शो, ओके वेरी गुड सुमित। या दिस कुड बी अनदर ऑप्शन की या ही शोड हिज आईडी, ही शोड हिज आईडी एंड रिपोर्टेड अबाउट द पर्स एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। परफेक्ट, आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट SRT4, ही हैज गॉन टू ताजमहल एंड ही फाउंड बेगर्स हरासिंग अ यंग फॉरेनर फॉर मनी। ही क्या करोगे भाई, फॉरेनर है, उसको हरास करा जा रहा है। हाउ यू गोना हैंडल दिस? दैट इज परफेक्टली फाइन सुमित, कोई बात नहीं, यू विल इम्प्रूव ग्रेजुअली। आप रोज आ सकते हो, ये क्लास 5 बजे होती है और 11 बजे मैं रिटर्न के लिए रिवीजन करा रहा हूँ। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्रैक डिफेंस एग्जाम विद अंशुम ऐसा ही लिखा होगा, उसको क्लिक करना। चैनल का नाम है अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म, अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म ये चैनल का नाम है, अंटिल द यूनिफॉर्म। Join this Telegram channel for all the updates. And like this video, Sumit. This is what you can do in return. Thank you so much. Kya baat hai Vibha? You went with the foreigner. That's quite generous. And it is good actually. ओके स्वीकृति, थोड़ा सा लंबा चला गया, इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है।
गाइस, इस केस में आप जैसे बेगर्स को जनरली देखो, अगर ऐसा कुछ रेयर केस ना हो जाए तब तक आप बेगर्स के लिए पुलिस में अप्रोच नहीं करते हो। आप बेगर्स को जनरली वहीं से भी भगा सकते हो डांट धमका के, ज़्यादातर आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। बट हाँ, इस केस में अगर आपको लगता है कि आपको पुलिस बुलाने की ज़रूरत है तो आप बुला भी सकते हो, कहीं से भी गलत नहीं है। ओके गुड निलेश, बट देर इज नो नीड टू अपोलोजाइज, वाई यू आर अपोलोजाइजिंग टू द फॉरनर। आकाश, इस केस में परसुएड शब्द का इस्तेमाल सही नहीं होगा, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। ओके अमित चलेगा, शिवम ओके, ओके गुड मानसी, अ वेरी गुड यूज वरद, टैक्टफुली, आई लाइक योर वर्ड, टैक्टफुली टेल द बेगर्स नॉट टू डू सो एंड आस्क द फॉरनर टू कैरी वन एंड ही विल हिमसेल्फ एंजॉय द व्यू। ठीक है वरद, गुड, क्या बात है विभा, वो भी सिंगल ये भी सिंगल आप भी सिंगल, तो यू गेट अलोंग, गुड गुड, सोशल यू नो इंटरेक्शन हियर, सोशल अडेप्टेबिलिटी शोकेस कर रहे हो आप, नाइस। अच्छा पूनम, यू हैव फोकस्ड ऑन द बेगर इंस्टेड ऑफ द फॉरनर, आप उसको, आप मतलब उसको फोकस कर रहे हो, यहाँ पर फॉरनर है परेशान हो रहा, उसको उसको देखना है आपको। ओके रुचि बेटर, अक्षत ठीक है, चलो देखो गाइस, हाउ यू गोना हैंडल दिस, ही टैक्टफुली वॉर्न्ड द बेगर warned the beggars, comma, we can use this Vibha's point, he and continued the visit with the foreigner and become good friends, दोस्ती आ रही हो गई, एक बहुत अच्छी सोशल अडेप्टेबिलिटी यहाँ पर शोकेस हो रही है। प्रतीक राज बिल्कुल, स्कोल्डेड वर्ड थोड़ा सा हार्श हो गया, ऐसा भी कर सकते हो, ही वॉर्न्ड द बेगर टू स्टॉप कमा लेटर इंजॉयड द विजिट। अब इस केस में जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती फॉरनर के चेप ही हो जाओ, आपने बेगर्स को हटा दिया, ये आपकी पहली प्रायोरिटी थी, और उसके बाद आप अपना ताजमहल का विजिट एंजॉय करने लग गए, वो बेगर अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, फॉरनर अपने रास्ते, या थोड़ी सी सोशल अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा दिखानी है तो कैसे हैंडल करोगे, ही टैक्टफुली वॉर्न द बेगर कंटिन्यूड द विजिट विद द फॉरनर एंड बिकम गुड फ्रेंड्स। ठीक है वैभव, ठीक है, मैंने बताया ना गरीबों के भिखारियों के केस में आप ज़्यादातर पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, डे टू डे लाइफ में सोच के देखो, क्या कोई भिखारी कोई ऐसा बंदा आ जाए तो हम क्या पुलिस को बुला लेते हैं। अच्छा सो गाइस, जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, और ये नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैं सारे अपडेट्स दे देता हूँ जब जब मैं लाइव आऊँगा, सुबह भी मेरी क्लास होती है रिटर्न के लिए 11 बजे, और ये शाम को डेली 5 बजे क्लास होती है आपकी SSB के लिए, ठीक है। सो सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, मेरे वीडियोस के PDFs आपको मिल जाएंगे, PDF के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट और डिस्कशन है, सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा विद ऑल द रिव्यूज़।
अच्छा मुंबई में बुलाना पड़ता है आशीष, मेरे को सॉरी, मेरे को मुंबई का आइडिया नहीं है, अपने दिल्ली में तो हम खुद ही संभाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम दिल्ली वाले दिल्ली से हैं, तो थोड़ा बहुत एक दो कुछ चिल्ला दो, दो चार हिंदी में बात कर लो तो काम हो जाता है ज़्यादातर चीज़ों में। नहीं शिवम, देखिए शिवम, आप बहुत ज़्यादा थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हैं, हरासिंग मतलब भाई ये एक नेगेटिव वर्ड है। अच्छा, किसी भी बेगर को इसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को अगर वो फॉरेनर को टारगेट कर रहा है फॉर मनी, ये देखो एक फॉरेनर को टारगेट कर रहा है फॉर मनी, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, तो आप बेगर को जस्टिफाई नहीं कर सकते इस केस में शिवम, ठीक है। माना कि आप थोड़े से सॉफ्ट दिल के हो सकते हैं, बट अगेन देर इज देर देर कुड बी सम अदर वे। अच्छा, स्टॉप देम विथ फोर्स। अभिषेक, एक से ज्यादा लड़के हैं और आप अकेले हो, ठीक है, एक से, देखो कभी भी ऐसा इनकाउंटर होना कि अगर कोई एक व्यक्ति आपको आके चाकू दिखाए, आपको अटैक करने की कोशिश करे, दोस्तों ये तो कानून भी कहता है कि आप सेल्फ डिफेंस में इस पर अटैक कर सकते हो। अच्छा, दूसरा मान के चलो उसमें बॉयज़ या मेन बहुत सारे लिखा है, नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ बॉयज़ लिखा है, और वो आपको अटैक करते हैं किसी भी ऐसे सिनेरियो में, तो यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर या रजनीकांत या ऐसा कुछ मत समझिएगा कि सर मैं मास का फैन हूँ, साउथ इंडिया की मूवीज़ देखता हूँ, मैंने पाँव घुमाया बवंडर बन गया वहाँ, मैंने केला मार दिया वो उड़ते उड़ते गिरा, ऐसा कुछ ऐसा अठी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने सारे लोगों को रियल लाइफ में अकेले टैकल नहीं कर सकते, बट हाँ स्मार्टनेस ज़रूर दिखा सकते हो। स्मार्टनेस कैसे दिखाओगे इस केस में, अभी मैं बताता हूँ, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ओके विभा, टैक्टफुली फॉर देम इज अ बेटर वर्ड। यस वैभव, यू कैन इंक्लूड टूरिस्ट गाइड। गुड स्वीकृति, नाइस बैलेंस्ड आंसर। ऑल्सो टुक हिम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किसको ले गए प्रियदर्शनी? इसमें जो इंडिविजुअल है वो ही पीटा, वो उसी को पीटा जा रहा है, तो आप उसी को, अपने आप को हॉस्पिटल ले गए। अच्छा प्रतीक, प्रतीक विल आस्क द रीजन फॉर द बीटिंग बिकॉज माई जीएफ इज वन ऑफ देयर एक्स। अच्छा, इस केस में तो प्रतीक और पिटेगा भाई तू, ठीक है, अगर उसकी एक्स के साथ तू घूम रहा है तो वो तुझे मार रहे हैं और तू रीजन पूछ रहा है, अरे भैया क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, ऐसा होगा क्या? तो इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी कहां से आई? ऑफिसर लाइक क्वालिटी शोकेस नहीं हुई। निलेश, अगेन यू आर हिटिंग टू मेनी ऑफ देम। मानसी का अच्छा आंसर है, गुड रितिका, गुड। रेज अलार्म कॉल्ड द अथॉरिटीज, गुड आकाश, बैलेंस्ड आंसर। वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड अक्षत, गुड गुड टैकलिंग हेयर। नहीं सुमित, आप पूछ रहे हो यहाँ पर, पूछना यहाँ पर नहीं चलेगा, ही रिपोर्टेड टू द पुलिस, दैट्स इट। अलार्म द रेस्टोरेंट, ओके। अच्छा नीलेश, नीलेश को बड़ा फाइट करने का चस्का लग रहा है। गॉट द लीडर इंजर्ड, मतलब इतनी भीड़ में तूने लीडर भी पहचान लिया, उनका लीडर कौन है? कुछ ज्यादा ही हवाबाजी हो गई नीलेश इसमें। ओके सो गाइस, ठीक है, सो ही सीक हेल्प फ्रॉम द
restaurant staff. He seek help from the restaurant staff and overpowered them and reported to the authorities. Overpowered them, comma, reported to the authorities. अब आप अकेले नहीं कर सकते यहां पर दूसरों की मदद से कर सकते हो. तो ही सीक हेल्प फ्रॉम द रेस्टोरेंट स्टाफ एंड ओवरपावर्ड देम एंड रिपोर्टेड इट टू द अथॉरिटी. ठीक है, या ओके सुमित, ये बेटर है. आशीष का आई हैव मिस्ड, लेट मी चेक. आशीष, आई एम नॉट एबल टू सी योर आंसर. मिल गया. डिस्ट्रेस देम, मैनेज टू रन फ्रॉम द लोकेशन. आशीष, नो ब्रदर, करेज शो नहीं हो रहा, भाग रहा भाई सिचुएशन से. कल को अगर फौजी बन गया और फौज में तेरे को चार आतंकवादियों ने घेर लिया, क्या बंदूक छोड़ के भग जाएगा वहां पर कि रुक जा मैं अपने सीओ को बुला के लाता हूँ या रुक जा मैं अपने बंदे बुला के लाता हूँ? तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होगा? नाउ गाइस, इसको हम फनी तरीके से देख तो रहे हैं, बट जरा फोकस करना, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो. सो करेज एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है दोस्त, इसको नहीं भूलना है. साजन का कहाँ गया? ही कॉल द नियर बाई फॉर हवाई एफ आई आर, हैंड देम ओवर टू द पुलिस. ठीक है गाइस, ठीक है. वैभव, जो मैं आंसर लिख देता हूँ ना गाइस, अब देखो कई बार जब बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं ना लाइव, तो जो मैं आंसर लिख देता हूँ ना, आप सीखने की कोशिश करो. मैं अपने आप पढ़ लूँगा एंड कुछ गलती होगी मैं अपने आप पॉइंट आउट करूँगा, टेंशन मत लो. अलार्म द रेस्टोरेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, टेक्स टू एक्शन. बिल्कुल सही लिखा है वैभव, तूने यही तो लिखा है जो मैंने लिखा है, तो बिल्कुल सही है. तेरे को अपना पता लग जाना चाहिए कि मैंने सही लिखा है. ठीक है, सो आंसर से लिंक कर लो. अरे थैंक यू सो मच अक्षत, या आई एम नोन फॉर दिस ओनली, दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग. ठीक है, सो थैंक यू सो मच अक्षत. तेरे को मैं सुबह वाले 11 बजे वाले सेशन में नहीं देखता, वहां पर भी आ जाए कर दोस्त. ओके नेक्स्ट गाइस, व्हाइल रिटर्निंग होम आफ्टर वॉचिंग अ मूवी एट मिडनाइट, ही फाउंड अ मैन कैरिंग अ वुमन ऑन हिज बैक ऑन अ लोनली वे. ही how you gonna handle this situation guys? आगे चल रहे हैं प्रतीक, सब्र पेशेंस मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ये भी, पेशेंस. लाइफ में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. ओके शिवम, बढ़िया, शॉर्ट एंड क्रिस्प. स्वीकृति, ओके दैट्स फाइन. यू हैव इमेजिन्ड दैट द गर्ल वॉज ड्रंक एंड इट वॉज हिज गाय, दैट्स ओके, बट बींग एन ऑफिसर यू विल लीव देम ऑन द लोनली रोड. वेर इज योर ऑफिसर लाइक क्वालिटी? वेर इज योर केयरिंग? ठीक है, एंड यू कंटिन्यूड, यू वेंट अवे. ठीक है, अगला बंदा उसको लेके चल रहा है ड्रंक वुमन को, यू कुड हैव हेल्प्ड. जूनियर मिडनाइट, अप्रोच हिम एंड देन वॉट, दैट्स इट. वेरी गुड प्रियदर्शनी, गुड आंसर. वेरी गुड अमित, वेरी गुड वरद, गुड शिवानी. अबे प्रतीक, दे आर नॉट हैंगिंग आउट. एक बंदा कंधे पर, एक वुमेन कंधे पर लटकी हुई है, तेरे को लग रहा है वो हैंग आउट कर रहे हैं लोनली रोड पर? गुड जूनियर, ठीक है, गुड अभिषेक, शॉर्ट एंड क्रिस्प. गुड कुनू, आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है स्वीकृति, नाउ वे बेटर.
गिव मी द ब्लड, क्या बात है, खूंखार लोग, सुभाष चंद्र बोस वेलकम, गुड पूनम, भूषण, जस्ट आशीष, रैदर यू कैन ड्रॉप देम ऑफ रैदर देन कॉलिंग द एम्बुलेंस, देन इट वुड हैव बीन परफेक्ट. गुड साजन, विभा ठीक है, थैंक यू राजप्रिया. ओके नाउ गाइस, इन सच अ केस हाउ यू गोना हैंडल द सिचुएशन. सो ही इंक्वायर्ड एंड फाउंड द वुमन वॉज इंजर्ड एंड फाउंड द वुमन वॉज इंजर्ड कॉमा ही dropped them to the nearest hospital. He dropped them to the nearest hospital. एक अप्रोच ये है कि भाई महिला इंजर्ड थी, या दूसरा ये भी हो सकता है, स्वीकृति ने इसको इमेजिन करा, या दिल्ली जैसे शहरों में आपको अक्सर ऐसी लड़कियां झूमती दिख जाएंगी. सो ही फाउंड दैट द गर्ल वॉज ड्रंक, सो ही स्लैश शी, आप शी भी कर सकता है ये काम. सो शी ड्रॉप्ड देम होम सेफली, सो शी ड्रॉप्ड देम होम सेफली. थीफ हो सकता है इस सिचुएशन में, थीफ कैसे होगा कुनू, थीफ क्या वुमन चुरा के लेके जा रहा है अपने कंधे पर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आया. रितिका जस्ट होल्ड ऑन, आई एम रीडिंग इट अप. रितिका का आंसर मुझे दिख क्यों नहीं रहा. ही कॉल्ड फॉर ऑफ द पुलिस एंड फोकस्ड ऑन हिम अंटिल द पुलिस कम एंड ऑल्सो ऑन हिज लोकेशन फॉर द पुलिस टू ईजिली टू फाइंड हिम. ठीक है रितिका, बट इस केस में आपने क्या इमेजिन करा, वो वुमन और बॉय क्या हो सकते हैं, वो शोकेस नहीं हो रहा है. आपने बस पुलिस बुला ली, पुलिस बुलाकर आपका काम खत्म नहीं हो जाता है. So the boy gave her a piggyback. Okay. So in this case, Prateek, according to you, it's a romantic situation that the boy is carrying the girl. So, ठीक है. In that case, at least you should have inquired. ठीक है. इस केस में आप inquire कर सकते हो. Being a girl, you can trust them. Okay. चलो ठीक है. I hope guys I have made myself very clear here. चलो अगली SRT guys आज के trending meme से. He was going for an interview. He finds an old couple working at a dhaba, barely meets their need. He चल रहा है ना guys. आप सबने अगर social media पर हो, बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा, इसका इंस्टा पेज भी बन गया है अभी मैंने देखा. सो गाइस हाउ यू गोना हैंडल दिस, ये रियल लाइफ सिचुएशन है गाइस, आपको कोई भी ये मिल सकता है. एंड आई एम सरप्राइज्ड लोग हवाबाजी करने में इतने तेज आज के टाइम में, कोई मदद करते हुए नहीं दिखा रहा है, बाबा के ढाबे की फोटो सब पोस्ट कर रहे हैं. गुड वैभव, गुड अप्रोच, पिछली SRT का सही आंसर लिखा है. अगली SRT आ गई है. स्वीकृति क्या लिख रहे हो आप, आफ्टर दिन अरेंजेस फॉर अ गेट टूगेदर विद हिज फ्रेंड्स एंड एंजॉय द फूड देयर. ठीक है समझ गया मैं क्या लिख रहे हो. मैं आपने इंटरव्यू से शुरुआत करी, चलेगा. बट इस केस में थोड़ी सी एपथी आप अगर पहले ओल्ड कपल को दे सकते थे, कुड हैव बीन, बट चलेगा, ये भी चलेगा कि आप पहले इंटरव्यू गए, ओल्ड कपल तो वहीं रहेगा. अच्छा
एसआरटी समझ नहीं आई, मैं एसआरटी समझाता हूँ गाइस। एक हीरो है हमारी इस एसआरटी का, ये ही और शी दोनों हो सकता है। नाउ अगर मुझे विभा ने पूछा है तो मैं उसको शी समझ रहा हूँ। सो अज्यूम विभा दैट शी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड ऑन हिज वे ही फाइंड ओल्ड कपल रनिंग अ ढाबा, ओल्ड कपल रनिंग अ ढाबा एंड शी फाइंड्स दैट देर ढाबा इज नॉट वर्किंग वेरी गुड, देर आर नो कस्टमर्स, दे आर हार्डली बेयरली मीट देयर नीड्स, यानी अपनी जरूरतें ये वो ओल्ड कपल पूरी नहीं कर पा रहे उस ढाबे से। सो ही विल डू वॉट। अच्छा, जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं गाइस, दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, आप ध्यान रखना, आपकी जो एस आर टीज होंगी ना वो शी सेंट्रिक ही होंगी, आपकी जो स्टोरी होगी वो वुमन ही होगी वहां पर, और वुमन क्या करेगी उस सिचुएशन में वो मैटर करता है। तो एस आर टीज में ज्यादातर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे आपके, जो आपको वहां एस एस बी में एस आर टी मिलेंगी, इस चीज का ध्यान रखना। बट लड़कों की एस आर टी जनरली ऐसे ही होती है जो मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक चीज और, आपको यहाँ पर जिस्ट समझना है, हमें चीजों को हैंडल कैसे करना है, रैदर देन ही शी पर फोकस मत करना। बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट मत हो जाना कि सर वुमेन सेंट्रिक तो कुछ ला ही नहीं रहे। मैं कल की एस आर टी में थोड़ा बहुत वुमेन सेंट्रिक भी ला दूंगा आपके लिए। वेरी गुड अभिषेक, गुड क्रिएटिव थिंकिंग, यू फॉरगॉट अबाउट द इंटरव्यू दो। वेरी गुड मीनम्मा फ्रॉम इंडिया, क्या बात है, दैट्स अ गुड आंसर। आई विल डू दैट डेफिनेटली प्रियदर्शनी, आई विल डू दैट, बट यू फोकस ऑन द लर्निंग हेयर, ठीक है। डेफिनेटली कूनो, आई विल ट्राई टू डू दैट। अक्षत थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्त, शिवानी नाइस, ठीक है जूनियर, ये वन टाइम मदद तो आपने कर दी, काफी लोगों ने वन टाइम मदद करी है, दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज क्वाइट हेल्पफुल टू। सो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ही हेल्प्ड देम फाइनेंशियली, एक ऑप्शन ये है, ही हेल्प्ड देम फाइनेंशियली कॉमा वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड क्लियर्ड इट, एक ऑप्शन ये हो गया, शॉर्ट एंड क्रिप, ही हेल्प देम फाइनेंशियली वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड क्लियर्ड इट। अच्छा दूसरा ऑप्शन, ही कॉन्टैक्टेड सम डिलीवरी एप्स, ही कॉन्टैक्टेड सम डिलीवरी एप्स टू गेट देम रजिस्टर्ड, टू गेट देम रजिस्टर्ड कॉमा गॉट देम बिजनेस एंड वेंट फॉर द इंटरव्यू। या आप इसके स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, ही वेंट फॉर द इंटरव्यू, कॉमा लेटर ही कॉन्टैक्टेड सम डिलीवरी एप्स टू गेट देम रजिस्टर एंड गॉट देम बिजनेस। आप ऐसे करके भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। सुमित की कौन सी, ही क्लियर द इंटरव्यू वाइल रिटर्निंग बैक, एंजॉयड द फूड, पे एक्स्ट्रा फॉर दैट एंड सम टिप टू इंक्रीज ढाबास पॉपुलैरिटी, टिप्स टू इंक्रीज, ठीक है सुमित, गुड ऑप्शन, गुड विभा, गुड प्रियदर्शनी। अरे क्यों नहीं कर सकते सुमित, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा कोई कपल देखा, आप दो मिनट के लिए वहां रुके, आपने उनको फाइनेंशियली हेल्प कर दी, 500 रुपए दे दिए,
मैंने कब बोला फाइनेंशियली हेल्प का मतलब 2 लाख रुपए उनके नाम करना? यू आर हेल्पिंग देम विद 500 bucks, इट इज मोर देन इनफ. एटलीस्ट 500 bucks इज स्टिल सफिशियंट इन सिटीज लाइक दिल्ली कि आप एटलीस्ट एक दिन का खाना भरपेट खा सकते हो भाई 500 रुपए में. ऐसे भी ढाबे हैं दिल्ली में जो 100-100 रुपए में आपको अनलिमिटेड खाना दे देते हैं. ठीक है, सो आपने फाइनेंशियली जितना मदद हो सकती थी कर दी. जरूरी नहीं है कि आप ये सोशल मीडिया वाली बकवास करो, बकवास नहीं है बाय द वे ये, बट ये करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, प्रतीक 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 का कहाँ है? वेरी गुड प्रतीक, चलेगा. वेरी गुड अमित, ठीक है, वेरी गुड गाइस, गुड गोइंग. चलो, ही वॉज गोइंग ऑन फुट टू कैच अ ट्रेन एट मिडनाइट. सडनली ही सीज अ वाइट मैन कमिंग एंड वाइट वैन कमिंग एंड थ्रोइंग अ पर्सन आउट. रितिका, यू आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम. स्पेंडिंग टाइम, आपका समय से क्या होगा? इज देयर प्रॉब्लम सॉल्व्ड? रैदर यू हेल्प देम फाइनेंशियली और यू कैन पोस्ट इट ऑनलाइन लाइक द अदर्स आर डूइंग. वेरी गुड स्वीकृति, गुड थिंकिंग, बहुत अच्छे. जॉब मिलने के बाद आपने हेल्प करी कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. बहुत अच्छी सोच स्वीकृति, वेरी गुड आंसर. यस गाइस, ये थोड़ा सा फिल्मी सीन है. वेरी गुड विभा, गुड गुड थिंकिंग. गुड स्वीकृति, वेरी गुड मनीषा, नहीं मानसी. गुड सुमित, गिव मी ब्लड, यू हैव फॉरगॉट अबाउट योर ट्रेन. आपका टास्क कंप्लीट इनकम्प्लीट है. सेम अभिषेक, मिस द ट्रेन. ओके, जूनियर मिडनाइट, नाइस. Until he reaches home. अरे सुभाष चंद्र बोस, give me freedom. बहुत ज़्यादा वो लिख रहे हैं आपका ट्रेन के बारे में, आप क्या लिख रहे हो? आप उनको घर जाने तक का मदद करोगे. शिवानी, miss the train. आप कुनु, आप ये भी लिख रहे हो ambulance भी बुलाई, पुलिस भी बुलाई, फिर मैंने वैन के बारे में बोला. सीधा लिख दो अथॉरिटीज, अथॉरिटीज में सब कुछ आ जाता है. सीधा एक वर्ड लिखो, स्टेटमेंट छोटा हो जाएगा. आपने गलत कुछ नहीं लिखा है, बट मैं आपको वर्ड कट करने की टेक्निक सिखा रहा हूं. गुड रुचि, शिवानी, ठीक है अक्षत, चलेगा. आपने नेक्स्ट ट्रेन को बुक करा, नेक्स्ट ट्रेन को प्रायोरिटी रखा, ये भी चलेगा. ठीक है, शुभम 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 शुभम, किधर गया शुभम का? शुभम, मैं आपका आंसर नहीं देख पा रहा. भाई अपर्णा ने मैसेज ही डिलीट कर दिया जब तक मैं पढ़ता. कैप्चर द वैन्स पिक्चर, गॉट द पर्सन टू द हॉस्पिटल, वेंट टू द कैश रिटेन. ठीक है वरद. अरे प्रतीक, पेशेंस रख ले मेरे दोस्त. अच्छा, यहां पर देखो गाइस, ही रिपोर्टेड द अथॉरिटीज, रिपोर्टेड द अथॉरिटीज अबाउट द वैन, अबाउट द वैन.
अब इसके अंदर सब कुछ आ गया गाइस, उसने नंबर लिखा, नंबर को हेल्प करा, ट्रेस करा, वो सब कुछ आ गया। ही रिपोर्टेड द अथॉरिटीज टू अबाउट द वैन कॉमा एडमिटेड द पर्सन एट द हॉस्पिटल at the station and boarded the train। आपने अथॉरिटीज को बता दिया, उसको एडमिट भी करवा दिया जो रेलवे स्टेशन पे ही हॉस्पिटल था, या हॉस्पिटल एट नियर बाय भी कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे ज़्यादातर रेलवे स्टेशन के आसपास भी कुछ ना कुछ पेरिफेरी में एक स्टेशन ऐसा कुछ हॉस्पिटल एमआई रूम नर्सिंग होम होगा, आप वो भी मेंशन कर सकते थे और बोर्ड ट्रेन बोर्ड कर सकते थे। ठीक है, नहीं प्रतीक, आई हैवंट मिस्ड, वेरी गुड वैभव, यस आई हैव रेड योर्स वैभव। देखो यार, आई एग्री कि ये कोचिंग्स में बताते हैं, बट अल्टीमेटली कोचिंग कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है। मैं भी तो आपको एक कोचिंग ही दे रहा हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग अ कोचिंग टू यू। अब देखो, वर्ड्स को अगर आपको छोटा करना है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करना है, तो कई बार कुछ ऐसे स्टैटिक वर्ड्स का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने भी इन सब शब्दों का इस्तेमाल करा है एंड आई गॉट रिकमेंडेड एज वेल। ठीक है, तो एक दो वर्ड्स पर स्पेसिफिकली फोकस मत करो, बट जो पूरा एक्सप्रेशन आना चाहिए एसआरटी का, उस पर फोकस करना है हमें। ठीक है, ऑन माय अंडा प्लीज, मैं समझा नहीं सुमित, ऑन योर अंडा मैं समझा नहीं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से हियर। आई विल सून डू दैट टैट एज वेल, टैट के भी मैं बहुत ज्यादा सेशन नहीं दूंगा गाइज, ऐसे तो पूरा आपका SSB हो ही जाएगा यहाँ पर। टैट का सेशन मैं आपको एक दो इंट्रोडक्टरी सेशन या कुछ एक दो ऐसे मॉक सेशन दे दूंगा, और फिर टैट के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ एक प्लस पर कोर्स अलग से लॉन्च करूँगा, उसके लिए तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा दोस्तों, सब कुछ फ्री में नहीं होता। ठीक है, अगर मैं फ्री में ज्ञान बांटने लग जाऊँ तो अनअकैडमी मुझे तनख्वाह क्यों देगा भाई, गेम समझ आएगा इस? फ्री में सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, माँ का प्यार और बाप की मार, बाकी हर प्यार की कीमत है। सुमित, या आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। जूनियर मिडनाइट वेरी सून, एंड गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना यार, बस आपके थोड़े से लाइक्स चाहिए मुझे और कुछ नहीं, और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कोड इस्तेमाल कर लो, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और हर महीने गुरु दक्षिणा के नाम पर थोड़े से पैसे भेजते रहा करो, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, जोक सपाट, पैसे वाली बात इग्नोर करना गाइस, वो मैं अनअकैडमी से ले लेता हूँ, तुम बाकी सारी चीज़ें कर देना। भाई वो करते होंगे तो फिर एक काम करो, आप उन्हीं से SSB सीख लो, मैं तो फ्री में नहीं करता यार। ठीक है, फ्री में YouTube सेशंस कर देता हूँ मैं, दैट्स इट, गेव देम द स्माइल विभा, ओके यू गेव देम अ स्माइल एंड वॉन द मैच, ओके दैट इज अ क्वाइट क्यूट SRT आई वुड से। द नेक्स्ट पर्सन इज वाइल प्लेइंग द मैच वन ऑफ द ओपोनेंट्स अब्यूज्ड हिम and you smiled at them, that's very good. Very good Sukirti. इस पूरे वीक प्रतीक मैं SRT लूंगा, इस पूरे वीक फ्राइडे तक SRT, that means कल एक और क्लास है। ठीक है, साढ़े छः बजे मेरी करंट अफेयर की भी क्लास होती है गाइस, और 11 बजे मेरी रिवीजन की थ्योरी क्लास भी होती है,
सो सारी क्लासेस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गुड संजय, वेरी गुड सुमित, निलेश ब्रो शो सम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अब मैच कोई भी मैच खेल लो आप, अब्यूज तो होता ही रहेगा। विराट कोहली को नहीं देखा, इतना ज़्यादा बेन स्टोक्स बोलता है विराट कोहली, तो हर कोई क्या रिपोर्ट करता रहेगा विराट कोहली को। अगर विराट कोहली पर हर चीज़ में इस पर रिपोर्ट होने लग जाए बेन स्टोक्स पर, तो आप समझ जाओ कि भाई कितनी पेनल्टी देगा। सो दिस इज द गेम, पार्ट ऑफ द गेम, एग्रेशन इज पार्ट ऑफ द गेम गाइस। रैदर इससे बढ़िया तो मेरे को विभाग अच्छा लगा, यू स्माइल्ड एट देम, सो दिस इज अ परफेक्ट वे। अगला बंदा कुछ बोल ही नहीं पाएगा। ओके नाइस अक्षत, वेरी गुड मानसी, सूरज वेलकम, गुड जूनियर, मिडनाइट, वैभव, अमित, चलो गुड गोइंग गाइस, कूनू गुड, इट इज ओके। ठीक है, सो देर आर टू मेनी आंसर्स, यस निलेश, ऐसी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, जरूरी नहीं है हर किसी चीज को आप रिपोर्ट करो। इस एसआरटी में होता ऐसा कुछ होता कि भाई चलो मैं अगली कल एक ऐसा एसआरटी बना दूंगा जिसमें डेलिबरेटली आपको इंजर कर दिया गया है, जैसे होता है ना फुटबॉल में, आपने वो कौन सा प्लेयर है जो काटता है, यूरोगवे का प्लेयर है शोरेज, सो ही डेलिबरेटली इंजर्ड द प्लेयर एंड रेफरी इग्नोर्ड, इस केस में क्या करोगे। सो ऐसा कुछ आप उस केस में भी अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखकर खेलना ही कंटिन्यू करोगे, और अल्टीमेट एम क्या है, विनिंग द मैच। सो इसमें आप लिख सकते हो ही केप्ट हिज काम कॉमा मोटिवेटेड द टीम एंड वॉन द मैच एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एग्जैक्टली सुमित, एग्जैक्टली संजय, पूनम ने रेड कार्ड ले लिया, इन्फॉर्म द रेफरी एंड आस्क हिम टू इट, देर इज नो वेयर रिटन दैट देवर प्लेइंग अ हॉकी मैच। हॉकी मैच है भाई, क्रिकेट कहाँ है। चलो नेक्स्ट, एट द फ्रेंड्स मैरिज ही फाइंड्स दैट नो वन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम, ही रितिका, रितिका आपका मेरे को आंसर नहीं दिख रहा, एक्चुअली देर आर टू मेनी कमेंट्स विच गेट बम्बार्डेड, सो कोई नहीं, यू फोकस ऑन द गेम। अच्छा प्रतीक एंड सुमित, आपस में बात मत करो, यू जस्ट इंटरेक्ट विद मी। स्टेडियम के बाहर देख लेंगे, क्या बात है। स्टिल एंजॉयड द मैरिज, दैट्स इट। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, उनके प्रति भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीनम्मा, हाउ यू गोना हैंडल दिस। वेंट ऑन अ स्टेज, परफॉर्मड एन ऑसम डांस एंड मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद हिज टैलेंट, क्या बात है। अभिषेक, गुड नागिन डांस, आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, इसका अलग ही मजा है। वेरी गुड मानसी, फोकस ऑन फूड, दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इन एनी मैरिज। ओके निलेश, शी टोल्ड सम फनी जोक्स, वेरी गुड अमित, गुड थिंकिंग, गुड जूनियर, ओके वरद, अक्षत, नाइस, नो रुचि, यू आर इंजॉइंग हिमसेल्फ, अपने आप में इंजॉय कर रहे हो। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को नहीं मनाओगे,
अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा, कोई नाराज है, ये भी तो हो सकता है नाराज हो, ठीक है। लड़कियां किस किस बातों पर नाराज हो जाती है आपको भी पता है, आज गर्मी क्यों है मैं नाराज हूँ, जस्ट लाइक दैट। सो इन सच केस नाराज हो सकते हैं। ओके दैट्स कूल मिनम्मा, गुड सुकीर्ति, गुड संजय, अगेन प्रतीक, यू हैव जस्ट इंजॉयड द मील, व्हाट अबाउट द फ्रेंड्स? हाँ जी अंजलि, ये सेशन डेली होता है 5 बजे, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जिसने भी अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल का नाम है अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म, अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म, ठीक है। इस सेशन में मैं आपको मिलूंगा रोज, 11 बजे भी होता है मेरा सेशन, 5 बजे भी होता है, और 6:30 बजे करंट अफेयर का सेशन भी होता है, बस आज नहीं है, ठीक है, कल होगा ये करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। चलो, अरे अक्षत सारे गानों के नाम भी लिख रहे हैं, हाय गर्मी क्या बात है। सो एनीवेज, सो गाइस, ही क्लियर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लियर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड enjoyed the marriage with his friend, enjoyed the marriage with his friends, is it clear guys? नहीं अक्षत, सुबह रिवीजन, रिटन के लिए रिवीजन होता है, अभी ज्योग्राफी करा रहा हूं मैं, आप इसी चैनल में जाओ, इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको रिवीजन ड्रिल नाम से, उसमें मैंने पहले 3 क्लासेस पॉलिटी ली है, आज ज्योग्राफी का सेशन लिया है, सो यू कैन वॉच दोज अर्लियर सेशंस, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फॉर द डे गाइस, टाइम नाउ फॉर अ डेली मोटिवेशन। जैसे आपको पता है मेरा हर सेशन एक मोटिवेटिंग फैक्ट, पिक्चर, जोक, शेर व शायरी के साथ एंड होगा। सो आज का मोटिवेशन क्या है गाइस? यू डिडंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार, आप इतनी दूर तक, इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे हो उसको अब मत छोड़ना गाइस। एक तो एग्जाम सर पर है, CDS 2 इज ऑन योर हेड, सो स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड, देर शुड बी नो सिंगल डे वेयर देर इज अ मिस। अब आप एक कोई भी मिस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो This is your daily motivation, so keep on working hard guys. I'm always with you, standing by your side for any sort of help. You can approach me for any sort of help. This is my Telegram channel. You can WhatsApp me on my number 859-555-4395. If you want to take the subscription, how to take subscription and how I gonna help you, you can contact me on this WhatsApp number 859-555-4395. Okay? Telegram link is not opening. You search on Telegram Anshum Until the Uniform. ये मेरे Telegram channel का नाम है, Anshum Until the Uniform. आपको मेरा channel मिल जाएगा, मेरे सारे videos के links मिल जाएंगे, ठीक है। So guys, in return, all I expect from you guys is just like this video. I will come 11 AM tomorrow. No 6:30 session today. I will come 11 AM tomorrow. Just like this video, share with your 5 friends. If you, any of your friend is preparing for SSB, use this code if you want to get in touch with me. So till then, milte hain ab kal. Tab tak ke liye Jai Hind, Jai Bharat. Mehnat karte rahiye dosto, sapne zarur sach honge. Take care everyone.